नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। फेसबुक यूजर्स के निजी मैसेज पढ़ सकती है अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा। फेसबुक ने अपने यूजर्स का जितना डाटा दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने की बात मानी है। वास्तव में वह उससे कहीं ज्यादा सूचनाएं उन्हें देती रही है। इनसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप को यूजर के निजी मैसेज पढ़ने की इजाजत दी है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग बिना फेसबुक यूजर की अनुमति के उसके फ्रेंड्स के नाम देख सकता है। फेसबुक ने ब्लॉग लिख कर दी सफाई, यूजर्स की सहमति से ही डाटा साझा। फेसबुक ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद फेसबुक ने ब्लॉग के जरिए सफाई दी है। फेसबुक ने कहा है उन्होंने कंपनियों के साथ इस तरह का डाटा सिर्फ यूजर की अनुमति से ही शेयर किया है। जकरबर्ग ने अमेरिकी सांसदों से प्राइवेसी पर सख्त कदम का किया था वादा। फेसबुक के 227 करोड़ यूजर हैं, इनमें से 22 करोड़ भारत में। उधर गूगल पर बच्चों को भ्रमित करने का आरोप। उपभोक्ता निजता और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संगठनों ने अमेरिकी आयोग में गूगल प्ले स्टोर के कुछ ऐप के जरिए बच्चों को भ्रमित करने की जाँच का अनुरोध किया है। आरोप है कि ऐप से बच्चों को अश्लील कंटेंट परोसा जाता है। योगी बोले, राजनीतिक आधार खो चुके लोगों की साजिश थी बुलंदशहर की घटना। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने ठपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पहली बार पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ की। चिदम्बरम सुबह 11 बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी अधिकारियों ने उनसे कई मुद्दों पर पूछताछ की। राजस्थान किसानों का 18 करोड़ का कर्जा माफ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार को किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी है। कुल 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा। सरकार के फैसले के अनुसार किसानों का सहकारी बैंकों से लिया छोटी अवधि का पूरा कर्ज माफ होगा। राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में सिर्फ डिफॉल्टरों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। डबल डेकर कॉरिडोर पर नीचे वाहन और ऊपर चलेगी ट्रेन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर और 104 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने में लगे 50 महीने। अब एलिवेटेड डबल डेकर की शर्त से ना हो जाए देरी। दिल्ली और केंद्र सरकार को अक्टूबर 2014 में पहली बार दी गई थी डीपीआर। 5 अस्पतालों के डॉक्टर्स ने की हड़ताल, मांगे माने जाने पर वापस ली। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी की मांग को लेकर 5 बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ने बुधवार को हड़ताल की तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हड़ताल की वजह से अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई और सारा बोझ सीनियर डॉक्टरों पर आ गया। मरीजों के बढ़ते दबाव और अव्यवस्था फैलने की आशंका के मद्देनजर दोपहर तक 4 बड़े अस्पतालों ने जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी देने का आदेश जारी कर दिया। कबड्डी खिलाड़ी अनूप कुमार ने संन्यास लिया। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और जयपुर पिंक पैंथर टीम के कप्तान रहे अनूप कुमार ने खेल से संन्यास ले लिया है। पंचकुला में पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान अनूप ने कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा की। गुड़गांव के फलड़ा गांव के रहने वाले अनूप अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिला चुके हैं। 5 मेयर और 110 में से 63 सांसद भाजपा के। हुड्डा कुलदीप के वार्ड में भी हारी कांग्रेस। रिकॉर्ड वोटों से जीती पानीपत की 25 वर्षीय अवनीत सबसे युवा मेयर। हरियाणा से भाजपा के लिए अच्छे संकेत। कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही अवनीत 74,000 वोटों से जीती। कांग्रेस का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। भाजपा की जीत के 3 बड़े कारण, मेयर के डायरेक्ट चुनाव, सिंबल पर चुनाव लड़ना और विपक्ष की टूट फूट। जीत के 3 बड़े मायने, जीटी बेल्ट में जलवा कायम, शहरी भाजपा के साथ सीएम ने दिखाई ताकत। 5 साल युवा हुए पंचों निगम, बड़े नेताओं के वार्ड का हाल रहा पूरा। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक के वार्ड 14 में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हुड्डा और भाजपा मंत्री मनीष ग्रोवर का भी घर है, वहां से भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली। दुष्यंत चौटाला और सावित्री जिंदल हिसार में उनके वार्ड 13 से कांग्रेस समर्थित की जीत। कुलदीप बिश्नोई हिसार के वार्ड 18 में कांग्रेस नेता बिश्नोई का मकान है, यहां भाजपा जीती। सीएम मनोहर लाल, इन्होंने अपने वार्ड में विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को जीत दिलाई। 3 पार्टियां एक साथ। करनाल में भाजपा के लिए पहली बार इनेलो, बसपा और कांग्रेस ने समर्थन दिया। गांव में भी भाजपा, यह बीजेपी के साथ साथ जनता की भी जीत, जनता का बहुत आभारी हूं, उन्होंने पार्टी में विश्वास जताया, मनोहर लाल खट्टर। टाइटेनियम के नैनोमीटर पार्टिकल से कपड़े बिना धुले ही सिर्फ धूप में सुखाने से बैक्टीरिया और मैल हो जाएगा साफ। जीजेयू में 63वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे डॉक्टर टाटा नारा सिंह राव ने साझा की रिसर्च। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले 28 लाख किसानों का पूरा कर्ज माफ। अन्य बैंकों में सिर्फ डिफॉल्टर किसानों के 2 लाख तक माफ होंगे। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र का पहला वादा पूरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले ही कर्ज माफ कर दिया गया है। राजस्थान 55 लाख किसानों पर 94,000 करोड़ रुपए कर्ज, आधे किसानों को ही फायदा। मध्य प्रदेश में 34 लाख किसान, 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। छत्तीसगढ़ में 16,65,000 किसानों का 6100 करोड़ का कर्ज माफ। रूस के पायलट ने कहा, ऑपरेशनल व उड़ान दक्षता में भारतीय पायलट श्रेष्ठ।
भारत रूस की वायुसेना का एक सप्ताह से जोधपुर एयरबेस पर चल रहा संयुक्त युद्धाभ्यास अविंद्रा 2018 बुधवार को अंतिम चरण में पहुंच गया। दो दिन बाद यानी 21 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। रूस की टीम का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल लोरी सुस्कोव ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव बताते हुए स्वीकार किया कि ऑपरेशनल उड़ान दक्षता के मामले में भारतीय पायलट हमारी तरह ही पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। भूपेश बघेल ने रमन के ड्रीम प्रोजेक्ट मोबाइल योजना पर रोक लगाई। कलेक्टर एसपी समेत तमाम आला अफसरों को वीआईपी कल्चर छोड़ने का निर्देश। सीएम बोले, जिलों में रहकर काम करें अफसर। वाइब्रेंट समिट में निवेश करने पाक के व्यवसायी आएंगे गुजरात। पाकिस्तान के व्यवसायी वाइब्रेंट समिट में निवेश करने के लिए गुजरात आएंगे। आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान देश चलाने के लिए दूसरे देशों से उधार लेने के लिए मजबूर है, पर वाइब्रेंट में निवेश करने को तैयार। जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट समिट में पाकिस्तान के व्यापारियों के आने की कोई आधिकारिक घोषणा हालांकि अभी नहीं हुई है। देश विदेश के 192 चैंबर ऑफ कॉमर्स से किया संपर्क, 45 आएंगे। वाइफ दीपिका के प्रति अपनी इमोशंस का रणबीर ने खुलकर किया इजहार। जो भी हासिल किया उसका क्रेडिट दीपिका को। अक्षय कुमार और भूषण कुमार के कोल्ड वार की गवाह बनेगी इंडिपेंडेंस डे की डेट। आमने सामने कैसे अक्षय को घेरने एक नहीं दो फिल्मों को रिलीज की तैयारी। विगत इंडिपेंडेंस डे पर भी अक्षय की गोल्ड के सामने भूषण सत्यमेव जयते लाए थे। इंजीनियरिंग छात्रों को पीएचडी के लिए हर माह 70,000 से 80,000 रुपये। 2019 के लिए 24 फरवरी से होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दुनिया के 1500 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किला हुआ। ऐसे 50 ज्वालामुखी हर साल इस तरह का लावा राख जहरीली गैस उगलते हैं। यह फोटो अमेरिका के हवाई स्थित किला हुआ ज्वालामुखी का है। गैस क्षेत्र पर रिलायंस के खर्च को मंजूरी की जांच। कहा, मुकेश अंबानी की कंपनी के खर्चों सत्यापन किए बगैर मंजूरी क्यों दी। कृषि कर्ज माफी का लाभ 10-15% किसानों को, नीति आयोग। जेटली बोले, सिर्फ नारों से गरीबी दूर नहीं होगी। रिजर्व प्राइस तय करके मंडियों में फसलों की नीलामी का सुझाव। महिंद्रा XUV 300 फर्स्ट लुक जारी किया। फरवरी 2019 में होगी लॉन्च। आर्थिक सचिव ने कहा, सरकार आरबीआई से अंतरिम डिविडेंड मांगेगी। मारुति सुजुकी के चेयरमैन बोले, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए पेट्रोल कारों पर सेस गलत। एमएसएमई मंत्रालय देश में 200 टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू करेगा। कंपनियां 5G की तैयारी को लेकर चिंतित, गार्टनर। वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी इंडस्ट्री की जरूरतें 2025 से पहले पूरी नहीं होंगी। पिछले सीजन में मारिन को कोई मुकाबला नहीं हारी थी, इस बार पहले मैच में सिंधु के खिलाफ खेलेंगी। 17 देश के 90 खिलाड़ी होंगे शामिल, सबसे ज्यादा 43 भारत के। प्रो बैडमिंटन लीग 22 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सीजन 4 में इस बार कुल 9 टीमों के बीच होगी भिड़ंत। सिंधु ने रविवार को वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब पहली बार जीता। क्रिकेट में पहली बार बैट से टॉस, एडिलेड के कप्तान इंग्रम ने जीता टॉस। बिग बैश T20 लीग, एडिलेड ने ब्रिस्बेन हिट को 5 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप UAE की टीम अलन लिबर्टोडेस चैंपियन फ्लेट को हराया। ICC ने पाक बोर्ड से BCCI को मुकदमे का खर्च देने को कहा। फिल ह्यूज को ट्रिब्यूट देने के लिए मैन ऑफ द मैच का गोल्ड ब्लेजर मिलता है। नाथन लियोन ने ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम का ट्रेडिशन शेयर किया। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाथन लियोन ने 8 विकेट झटके थे। महिला बिग बैश लीग, ब्रिस्बेन की ग्रेस ने 42 गेंदों में शतक जमाया, यह लीग का रिकॉर्ड है। इसरो का GSAT-7A लॉन्च। अब एयरफोर्स के विमान हवा से हवा में रियल टाइम में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ड्रोन भी इस सैटेलाइट से लिंक होंगे। इसरो ने इस साल 7 लॉन्चिंग की है, अब अगले साल चंद्रयान 2 सहित 32 लॉन्चिंग करेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहें।